हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम माधव गोयल है, मैं सातवीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मेरा विषय है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व भर में महान तथा प्राचीन भाषा होने के साथ साथ भारत की राजभाषा भी है। महात्मा गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा भी कहा था। उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया था। अंत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की सबसे बड़ी साहित्य कृतियों में से एक है। यह महज भाषा नहीं बल्कि हम भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा के आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है और उन्हें एहसास दिलाना है कि समाज में हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं छूटता है। तो चलो साथियों, आज हम हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि आज से हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सदैव सम्मान करेंगे तथा अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। गर्व है हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।